उनका मरण दिखाए, कौन मनाता है? हम प्रधानमंत्री को क्या जानते हैं? प्रधानमंत्री क्या है? एक चाय बेचने वाला पूरे देश को बेच रहा है, उसको कौन प्रधानमंत्री मानता है? वो तो फकीर है, कदम थोड़ा उठा के चल जाएंगे, वो चला क्यों नहीं जाता? के भूमिहीन परिवारों को जमीनें दो, उनको भीख का राशन मत दो, उनको भाषण मत दो, उनको अधिकार दो कि इन महिलाओं के नाम आज तक एक एक बीघा जमीन नहीं है, पर ये 5 एकड़ जमीन की मांग कर रही हैं। इन औरतों ने आज तक घर की दहलीज नहीं लांगी और ये स्टेट की दहलीज लांग करके यहाँ खड़ी हैं। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, 5 किलो हमें चाहिए, उसका बड़ा बड़ा भाषण नहीं चाहिए, हमें 5 एकड़ जमीन दे दे, मुझे राशन क्या बात है? रोजगार मांग रहे हैं, 40 करोड़ लोगों को अगर खाने के लिए देना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब हैं। इनको आप राशन देने के बजाय इनको रोजगार दो। कि हमारी सरकारें 5 किलो राशन दे करके ये एहसान जताना चाहती है कि हम तुम्हें भीख दे रहे हैं, हमें वोट दो बदले में। ऐसा फेकू है, फेकू, उसके जैसे फेकू आज तक कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं। वो फेकू है, वो बेटियों को शोषण करने वाला है, गरीबों को शोषण करने वाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर बेटियों को इज्जत अबरू को लूटता है, वो कैसा प्रधानमंत्री है? उसके अंदर बेटी होती तो आज दर्द झलकता, बेटी होती तो सम्मान झलकता, बेटी नहीं है तो कुछ नहीं है। ये इनका दर्द है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये किसी नेता की भीड़ नहीं है, ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये वो भीड़ है जो अपना पैसा खर्च कर आई, अपनी रोटी बांध कर यहाँ तक आई है। वो देने वाला कौन है? राशन क्या भीख दे रहा है? पूरे देश को ये बताना कि इंसान बनो, ढोंगी पाखंडी अंधविश्वास बन करके हमारा कोई भला नहीं हुआ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर भारी संख्या में जो है महिलाएं उपस्थित हुई हैं, नफरत मुक्त भारत लेकर नारा लेकर, 5 किलो राशन नहीं, बड़े बड़े भाषण नहीं, 5 एकड़ जमीन चाहिए के नारे के साथ जो यहां पर तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। और ये सरकार से सीधा साफ तौर पर भारत सरकार से इनकी कुछ मांगे हैं उसको लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनका कहना है। क्या कहना चाहिए कि जो सोचा था तो उद्देश्य लेके चले तो पूरा हो रहा है? देखिए, जो हमने सोचा था वो यहाँ पर वो सपना पूरा हो रहा है। मैंने 7 फरवरी को एक सपना देखा था कि इस देश के अन्य राज्यों से मैं हर राज्य से लगभग 10 से 20 लोग मैं बुलाऊंगी और वो लोगों से एक मांग उठानी है कि हम सारे लोग मिल करके एक मुद्दा पूरे देश की जनता को दे जो नेता नहीं दे रहे हैं। जिस मुद्दे की शुरुआत श्रवण कुमार निराला जी ने गोरखपुर से उठाई थी, जमीन के मुद्दे की, कि भूमिहीन परिवारों को जमीनें दो, उनको भीख का राशन मत दो, उनको भाषण मत दो, उनको अधिकार दो, उनको जब हक मिलेगा, हकूक मिलेगा तो वो उसमें अपने कमा कर खाएंगे और स्वाभिमान के साथ खाएंगे। और एस के निराला जी मेरे साथ में है, हम सब लोगों ने ये मेहनत करी और आज ये आंदोलन सफल हो रहा है। मुझे तो देख के खुशी हो रही है कि पूरा जंतर मंतर भर रहा है, यहाँ पर हल्ला बोल रैली हो गई और जैसा मैंने सोचा था उस उम्मीद से भी ज्यादा लोग आए हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि जो मैंने समाज के दर्द को लेकर जो सपना देखा था उस सपने में समाज के लोगों ने, इस देश के उन लोगों ने अलग अलग राज्यों से जान फूंक दी और कह दिया कि जो मैं सपना देख रही हूँ वही समाज का सपना है और हम सबका सपना और ये पूरा भी होगा। लेकिन जो नारा लेकर चल रहे हैं कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, इससे क्या मतलब? इससे मतलब ये है कि हमारी सरकारें 5 किलो राशन दे करके ये एहसान जताना चाहती है कि हम तुम्हें भीख दे रहे हैं, हमें वोट दो बदले में, इसी का जिक्र किया जाता है। अगर जिस राजा की प्रजा 40 करोड़ राजा को अपनी प्रजा को 40 करोड़ लोगों को अगर खाने के लिए देना पड़ रहा था, इसका मतलब है कि 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब हैं, उनकी अभी बदहाली ठीक नहीं हुई है, वो बहुत बुरा जीवन जी रहे हैं। इनको आप राशन देने के बजाय इनको रोजगार दो, इनको अपनी जमीनें दो, जब इनकी अपनी जमीनें होंगी तो ये रेवेन्यू बढ़ेगा, देश को कमा कर देंगे, बंजर भूमि को भी उपजाऊ कर सकती है, ऐसी कौम है जिनको ये राशन दे रहा है। तो ये साजिश का शिकार हो, ये बच्चे आगे ना बढ़े, शिक्षा में गड़बड़ की जा रही है, जिन बच्चों के हाथ में किताबें होती थी आज उन हाथों में कटोरा थमा दिया है, वो पढ़ नहीं रहे, वो ऐसे करके कोई भी अगर ऐसे करके भीख मांगेगा, कटोरा मांगेगा, खाना मांगेगा तो उस बच्चे का स्वाभिमान उस कटोरे में मिलकर खा लेगा वो, और पूरी जिंदगी उसका स्वाभिमान नहीं उठ पाएगा। तो बच्चों को मिड डे मील दे करके उनका स्वाभिमान गिराया जा रहा है, उनको शिक्षा दे करके इस देश का अधिकारी, व्यापारी और इस देश का अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि ये नहीं हो रही है। देखिए, एक आत्मसम्मान अभियान पेरियार जी ने उस समय चलाया था, आज आप फिर वही अभियान लेकर आगे चल रहे हैं। देखिए, पेरियार ने जो अभियान चलाया था कि आत्मसम्मान अभियान, सम्मान के साथ जियो, दूसरों की भीख पे मत जियो, अपने स्वाभिमान को बनाकर रखो, तो पेरियार की जयंती पर हमने उसी आंदोलन का आगाज किया है। दिल्ली से चलाया, पूरे देश में जाएगा, गांव में जाएगा, कस्बे में जाएगा। अगला कार्यक्रम
कार्यक्रम 10 अक्टूबर को गोरखपुर में होने जा रहा आगे भी कार्यक्रम बिल्कुल पहला है इसी के तहत 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को अभी गोरखपुर में होने जा रहा है जमीन के आंदोलन को लेकर के और एस के निराला जी उसकी यहाँ पे घोषणा भी करने वाले हैं आप सबको आमंत्रित करने वाले हैं आपकी पुलिस से बहस होती हुई हमने देखी क्या कुछ बात देखिए पुलिस जो है कह रही है कि अभी यहाँ पे आंदोलन नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते पेरियार एक खतरनाक विचार है और पेरियार के विचारों पर यहाँ पर आप इस तरह की बातें नहीं बोल सकते लेकिन हमें लगता है कि पेरियार के विचार ही सच्चा जीवन जीने के लिए हमारा मार्गदर्शन है और हमें उन्हीं के विचारों पर जीवन जीना है और पूरे देश को ये बताना है कि इंसान बनो ढोंगी पाखंडी अंधविश्वास बनकर के हमारा कोई भला नहीं हुआ करेंगे हम नहीं जाएंगे आंदोलन शाम 6 बजे तक चलेगा रोटी बांध के लाए यहीं रहेंगे यहीं खाएंगे और ये जनता कोई एक जगह की नहीं है ये देश के लगभग 12-13 स्टेट से आई हुई है तो ये ऐसे नहीं जाने वाले 6 बजे की परमिशन है 6 बजे तक हम यहाँ बैठे रहेंगे चाहे हमें खचड़ के भगा दें 5 एकड़ जमीन की मांग है क्या कुछ इसके साथ कहना चाहेंगे देखिए 5 एकड़ जमीन इस देश के मूलवासियों का हक है वो इस देश के भिखारी नहीं है जिनको राशन देकर के उनके जीवन को नष्ट किया जा रहा है उनके स्वाभिमान को गिराया जा रहा है हम इस देश की जनता तक ये मुद्दा ले जाएंगे जो देश की आम जनता है जो यहाँ पर आकर के कह रही है कि इन महिलाओं के नाम आज तक एक एक बीघा जमीन नहीं है पर ये 5 एकड़ जमीन की मांग कर रही है इन औरतों ने आज तक घर की दहलीजें नहीं लांगी और ये स्टेट की दहलीज लांग करके यहाँ बैठी है तो ये इस आंदोलन को मजबूत बनाना चाहती है और ये अपने हक हकूक को चाहती है ये लेना चाहती है दूर दूर से बसों से ट्रेन से ट्रैक्टर से और भर के आई है पैदल भी चल के आई है ये इनका दर्द है ये कोई दिखावा नहीं है ये किसी नेता की भीड़ नहीं है ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है ये वो भीड़ है जो अपना पैसा खर्च कर आई है अपनी रोटी बांध कर यहाँ तक आई है कहेंगे किस आधार पर हम आपको 5 एकड़ जमीन दें उसका हम बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे तरीके से कितनी जमीन देश के अंदर है और कितने लोग भूमिहीन है उनको आराम से 5 एकड़ जमीन मिल सकती है इससे ज्यादा मिल सकती है ठीक है तो हमने बातचीत की निर्देश सिंह से जिन्होंने खुलकर बताया और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में जो है महिलाएं मौजूद हैं जंतर मंतर पर सभी जो है एक ही नारा है कि अभी इन्हें 5 किलो राशन नहीं भाषण नहीं अब इन्हें 5 एकड़ जमीन चाहिए ताकि ये स्वतंत्र हो सके अपना काम खुद कर सके क्या कहेंगी 5 एकड़ जमीन आपको क्यों चाहिए हमारे बच्चे कहाँ पर रहेंगे 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए जमीन चाहिए हमको जमीन का क्या करेंगे घर मकान बच्चे के लिए रहने के लिए 5 एकड़ में हाँ जी अच्छा प्रधानमंत्री से और कोई मांग नहीं जी हमको तो बस जमीन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए और राशन नहीं चाहिए 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमको तो महिलाएं भी जो है यहाँ पर मौजूद है और मांग इनकी जो है बुलंद है 5 एकड़ जमीन चाहिए यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में जो है लोग मौजूद है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पोस्टर वगैरह लगे हुए पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं और सबका नारा है 5 एकड़ जमीन चाहिए क्या कहेंगे क्या मांगे हैं आप क्या मांगे हैं आपके सरकार संविधान क्या संविधान में क्या चाहिए अरे संविधान को खत्म कर रहे हैं ये कैसे खत्म कर रहे हैं क्या थोड़ा शिक्षा नौकरी क्या दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे सारा संविधान खत्म कर रहे हैं राशन दे रहे हैं 5 किलो राशन का क्या होगा राशन हम दे दूंगा 5 किलो मिड डे मील देते हैं उसमें बच्चों को खाना मिलता है अरे राशन तो इनको हम दे देंगे 5 किलो आप दे देंगे हाँ घर घर आ जाइए हम दे देंगे 5 किलो राशन 5 किलो राशन हम दे देंगे क्या कहेंगे क्या मांगे हैं क्या कहेंगे हमें संविधान सुरक्षित चाहिए संविधान बचाने के लिए हम लोग आए हैं किससे खतरा है संविधान को ये मनुवादियों से कौन मनुवादियों से कौन कर रहा है मनुवादी सरकार बैठी है केंद्र में जो हमेशा आज तो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है बधाई देना चाहिए जन्मदिन आज हम लोग पेरियार साहब का मनाने आए हैं मोदी का मनाने नहीं है हवन पूजन हो रहा है लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना हो रही है हम लोग जो शिक्षा देते हैं पेरियार के प्रधानमंत्री है वो उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन हम लोग पेरियार साहब के जन्मदिन क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है बधाई देंगे प्रधानमंत्री का हम बधाई नहीं देंगे उसको क्यों लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं लोग नालायक है देश के लिए नालायक क्यों है नालायक है राशन दे रहे हैं आप राशन क्या वो भीख दे रहा है राशन है आपको क्या चाहिए हमको अधिकार के संवैधानिक अधिकार चाहिए दिया तो है क्या दिया वो देने वाला कौन है हमारा देश का संविधान देने वाला वो है कि हमारे बाबा साहब दिए हैं देश का संविधान मानवता का कौन छीन रहा है आपसे संविधान अधिकार बीजेपी एंड पार्टी
बीजेपी और पार्टी महिलाएं भी हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या कहेंगे। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, लोग बधाई दे रहे हैं। हम लगाने आए हैं, हमारे महंगाई चरम पर छू गई, हम बेरोजगार हैं, हमारे पास शिक्षा नहीं है। हम प्रधानमंत्री को क्या जानते हैं? प्रधानमंत्री क्या है? एक चाय बेचने वाला, पूरा देश को बेच रहा है। हम सोए हुए हैं, हम तकिया लगा के घर में हैं। उसको कौन प्रधानमंत्री मानता है? वो तो फकीर है, कदम झोला उठा के चल जाएंगे। वो चला क्यों नहीं जाता? मजदूर को क्या देता है? मजदूर को रोटी देता है, रोजी देता है, नौकरी देता है, अनाज दे रहे, अनाज दे रहे। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, 5 किलो हमें चाहिए। उसका बड़ा बड़ा भाषण नहीं चाहिए, हमें 1-5 एकड़ जमीन दे दे। 5 एकड़ बाली साल दिए के अनाज दिए के जमीन दे दे। मुझे राशन क्या बात है? रोजगार मांग रहे हैं हम, महंगाई महंगाई चरण छू रही है, हम लोगों का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो हम किसको उसको मानेंगे? वो प्रधानमंत्री मानते हैं जो बेटी को, आप एक पत्रकार हो, आप एक पत्रकार हो, आपको नग वास्तव में घुमाया जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप बेटी हो और नग वास्तव में घुमा अच्छा लगेगा तो वही बेटी है। हमको नग वास्तव में घुमाया जाता है, वोट आती है तो वोट के लिए हमारे घर आता है, दलित के घर पानी पीता है। जब वो दलित अपना हक मांगता है तो मारता है, दलित अपना अपना संघर्ष करता है तो मारता है। तो हमें तो नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री, चाहिए नहीं। हम लोग दर्शन करने गए थे, जो मथाली बजा लिया, दीपक जला लिया, तो वहाँ पर मंदिर जो बनाया था, हम लोग दर्शन करा दिए। प्रधानमंत्री युग पुरुष से सदियों में ऐसे लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री उनका से प्रधानमंत्री ऐसा फेकू है, फेकू उसके जैसे फेकू आते कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं। वो फेकू है, वो बेटियों को शोषण करने वाला है, गरीबों को शोषण करने वाला है, दलितों को शोषण करने वाला है और महिलाओं को संरक्षण देने वाला है। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर बेटियों को इज्जत अबरू को लूटता है, वो कैसा प्रधानमंत्री है? उसके अंदर बेटी होती तो आज दर्द झलकता, बेटी होती तो सम्मान झलकता, बेटी नहीं है तो कुछ नहीं है। वो मान सम्मान हमारा इज्जत है, हमारे इज्जत की आँच आ गई है, हमारे संविधान की आँच आ गई है। संविधान लिखने वाला हमारे बाबा थे, हमारे बाप दादा थे, वो कहाँ थे? आज संविधान के खत्म करने का बात करते हैं, वो कहाँ थे जिस दिन हमारा संविधान लिखना आया था? वो ऐसा संविधान के लोगों को हम नहीं चाहते हैं कि उसको प्रधानमंत्री माने, हम तो नहीं मानते। तो ये महिलाएं हैं, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का आक्रोश है प्रधानमंत्री को लेकर, और ये साफ तौर पर कह रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी ग्रेज जनहित आवाज।